अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल शवाना 7 फूड जायका में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन का बहुत ही बेहतरीन सालन। तो आप लोग ये ट्राई एक बार ज़रूर कीजिए और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रख ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम के करीब दही। तो मैंने फेंट लिया है दही को काफ़ी अच्छी तरीके से, और इसी में अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। और हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे से पौने घंटे के लिए। तो 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और इसी के साथ मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये इसे हम मैरिनेट करेंगे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करके। तो आप देख सकते हो मैं सारी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये तीखी वाली नहीं है, ये मैंने कलर के लिया है, कलर के लिए लिया है। और हम तीखी के लिए सूखी लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो इसे आज हाथों की मदद से अच्छे से सारे मसाले हम चिकन में लगा देंगे, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके हम इसे मैरिनेट करेंगे आधे से पौने घंटे के लिए। अगर आप इतने टाइम के लिए इसे मैरिनेट करके रखते हो तो आपका चिकन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये चिकन मैरिनेट हो गया है, अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी आधा पौना घंटा, जब तक मैं अपना मसाला निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिरिस्ता बनाया है, ये 4 मीडियम साइज़ प्याज है जिसे मैंने बारीक काट के इसका बिरिस्ता बना ली हूँ। पूरे प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करके मैं ले ली हूँ। यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ आलू है जिसे मैंने एक में से 2 टुकड़े किया है, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिसमें मैंने बिरिस्ता बनाया था वही ऑयल है और वही कढ़ाई है, इसी में मैं ये आलू को भी इसमें डाल दे रही हूँ। देख रहे हो आप कितनी अच्छी तरीके से स्लिपिंग करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो इसे उल्टाते पलटाते हमें फ्राई करना है एकदम गोल्डन फ्राई होने तक। तो जब तक चलिए हम निकाल लेते हैं अपने मसाले को। तो यहाँ पर जो मैं मसाला बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी सालन को बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 लहसुन की कलियाँ लिया है, और 2 इंच यहाँ पर मैं ली हूँ अदरक का टुकड़ा, और 6 से 7 मेरे लाल मिर्च ली हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा, और 10 से 15 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 कमल फूल और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग। और इसे हम एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आलू भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बर्तन में। तो वही कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और बढ़ा दिया है, और इसी में मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता। और 2 तेज़पत्ता छटक जाने के बाद इसी में ऐड करेंगे हमने मसाला जो रेडी करके रखा है वो इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरीके से चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। इसका एक अच्छा सा भूनने से हो जाएगा, जब तक तेल सेपरेट हो जाएगा हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए, हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। तो हमारा मसाला अच्छी तरीके से भूनने लगा है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैरिनेट करने में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो सारे चिकन इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो देखिए मैं बहुत ही एहतियात से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और हमारा चिकन अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो चुका है। और इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि चिकन में बहुत सारा पानी रिलीज होता है तो वो अच्छी तरीके से रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें मैं जो प्याज का बिरिस्ता बनाकर रखा है वो इसे डाल के अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है, इसको साइड में कर देते हैं और हमारे अपने चिकन को अभी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना पानी इसमें से रिलीज हुआ है। तो हमें अच्छी तरीके से चलाते हुए चिकन को मसालों के साथ भूनना है। अब इसी टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है जो हमने आलू फ्राई करके रखा था, और इसे भी अच्छी तरीके से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे फ्लेम को मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा है ताकि जो इसमें पानी रिलीज हुआ है वो अच्छी तरीके से भून जाए। इसी में हम अब ऐड कर देंगे हमारा प्याज का पेस्ट, जो हमने फ्राई प्याज का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ों के साथ हम एक बार वापस से अच्छी तरीके से चिकन, आलू और कांदे के पेस्ट को साथ में मिक्स करके भून लेंगे।
तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को मिक्स कर दिया है और फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है और अच्छी तरीके से इसे चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। तो ऑयल थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो रहा है, उसी में हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च जो बीच में से मैंने फाड़ के इसी डाल दिया है। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है, यहाँ पे 2 से 3 मिनट में मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूंगी। तो ये देखिए मैंने बीच बीच में चलाती रही हूँ इसे, तो हमारा मसाला अच्छी तरीके से चिकन के साथ भून के रेडी हो गया है। तेल आप देख सकते हो पूरा सेपरेट हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून के तैयार है। तो हमारा चिकन और हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। अगर आपको ऐसे भी सर्व करना है तो आप ये रेडी है सर्व करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी रखना है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे सूखा भी सर्व कर सकते हो। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉईल आ चुकी है, 1 से 2 मिनट हो गए इसको बॉईल होते हुए। और मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो हमारा आलू और चिकन का बिल्कुल सालन बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी है सालन बन के तैयार होगा। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पे बॉल में सर्व कर रही हूँ, आप इसे रोटी तंदूरी रोटी पराठा नान चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।